I get up. Time is better. कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या आपको भी कोई आसान सी रेमेडी चाहिए जो आपके बालों के लिए हेल्दी हो, जो आपके बालों पे झटपट से काम करे, जो आपके बालों को टूटने से भी बचाए, आपके रूखे सूखे बालों में जान भरे, उन्हें हेल्दी बनाए, उन्हें शाइनी बनाए? तो आज मैं आप लोगों के साथ, आप क्या करते हैं हर रोज, शैम्पू तो करते हैं ना, शैम्पू में हमने कुछ ऐसी चीजें मिलानी है जो आपके बालों को बहुत ही शाइनी बनाएंगी। और जो चीजें हमने यूज करनी है वो आपके किचन में ही अवेलेबल है। किचन की 2 चम्मच आपने चीज उठानी है और रेमेडी के अंदर, आपके शैम्पू के अंदर मिला देनी है। और आप देख भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते आपके आपके बालों में कितना अच्छा शाइन आएगा, आपके बाल कितने ज्यादा रूखे सूखे से कितने अच्छे बन जाएंगे। अगर आप अपने बालों को स्ट्रेट चाहते हैं तो उसमें 2 ड्रॉप्स आपको कुछ और भी डालना पड़ेगा। और ये DIY बहुत लाजवाब है, इसे आप 10 से 12 साल के बच्चों पर भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हेल्दी है बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, जो बालों की स्किन है उसे भी वो क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है। उससे जो डैंड्रफ आपके बालों में आ जाता है, जिसकी वजह से चेहरे पर एक्ने पिंपल्स भी आ जाते हैं, तो उसे भी खत्म करने में ये रेमेडी बहुत लाजवाब है। बाल लंबे चाहिए, बालों की ग्रोथ आपको जल्दी जल्दी बड़ी करनी है, तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्चुअली में ये रेमेडी हमने बनानी कैसे है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो पाए। इस रेमेडी को बनाने के लिए दोस्तों, आप सबसे पहले आप अपनी पसंद का शैम्पू ले लें, जो भी शैम्पू आपको चाहिए, और आपके बालों के हिसाब से आप एक बोल के अंदर शैम्पू डाल लीजिए। मैंने अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग कुछ शैम्पू जो है, मतलब 1 से 2 चम्मच जो शैम्पू है वो इस बॉल के अंदर मिक्स कर लिया है, यानी कि डाल लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी शैम्पू, माइल्ड हो या फिर जो भी आप यूज़ करते हैं, अपने बालों की लेंथ के हिसाब से जितना प्रोडक्ट आपके बालों में लगता है उतना एक बॉल के अंदर डाल लीजिएगा। इस शैम्पू के अंदर दोस्तों मैं 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर जो है वो डालूंगी। अगर मैं इस एप्पल साइडर विनेगर की बात करूँ, एप्पल साइडर विनेगर दोस्तों न्यूट्रिएंट लाइफ का है। ये एप्पल साइडर जो है आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको यही एप्पल साइडर विनेगर चाहिए, या आप कोई और जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसका आपने उसका यूज़ करना है, क्योंकि ये एक होम रेमेडी है। तो आपके घर में, आपके किचन में जो भी एप्पल साइडर विनेगर आपके पास अवेलेबल है आप उसका 1 चम्मच लीजिएगा और शैम्पू में आपने उसे मिक्स करना है। ये आपकी बालों की स्किन को प्रॉपरली क्लीन करता है, हाइड्रेट करता है, सॉफ्ट बनाता है, डैंड्रफ को वहाँ से ख़त्म करता है, उसका वहां से सफाया करने में हमारी बहुत हेल्प करता है, बालों को झड़ने से रोकता है, और हमारे रूखे सूखे बालों में जान भरने में बहुत हेल्प करता है, यानी कि आपके रूखे बालों को शाइनी बनाता है। तो 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मैं शैम्पू के अंदर अच्छी तरह से मिलाऊंगी, ताकि हमारा जो शैम्पू है उसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर प्रॉपरली मिल जाए और इसकी सारी प्रॉपर्टीज शैम्पू के अंदर आ जाएंगी। तो हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ आप वो 1 या 2 बूंदें रोज मेरी एसेंशियल ऑयल की डालनी बिल्कुल नहीं भूलनी है, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत बढ़िया बनाता है, यानी कि बालों की स्किन को बहुत बढ़िया बनाता है, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, और इसके साथ साथ ये आपके बालों के डैंड्रफ को ख़त्म करता है, बालों में शाइन भरता है, बालों की ग्रोथ को भी बड़ा करने में बहुत हेल्प करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, आपके बाल बहुत मुरझाई से हैं, बहुत डल है, बिल्कुल भी शाइनी नहीं है, तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिएगा। हम अब तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद रेमेडी कुछ इस तरीके की बन जाती है। देखिएगा, आपके इसमें आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ये नहीं है कि एप्पल साइडर विनेगर का वो साइड में दिखता रहे, बिल्कुल भी नहीं। आपने इन्हें अच्छी तरह से मिलाना है, ताकि ये शैम्पू की जो रेमेडी है बहुत अच्छी तरह से आपके बालों में अप्लाई हो, बालों में जो चीज़ें हमें चाहिए वो बिल्कुल रहें, बालों का झड़ना बंद करें, और आपके रूखे सूखे बालों को बहुत ही शाइनी बनाएं, और आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ने में भी आपकी बहुत हेल्प करें। तो दोस्तों, अगर आपको बालों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस रेमेडी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। वीक में 1 बार, यानी कि हफ्ते में 1 बार इसका इस्तेमाल करना है, तो जरूर ट्राई करें। आपको अगर इसके रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होगी तो नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर ये DIY पसंद आया है तो भी नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। सो एवरीवन, कैसा लगा ये नुस्खा? अगर ये नुस्खा आपको पसंद आया है, ये रेमेडी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और उसके पैसे नहीं लगते हैं, और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी क्लिक भी कर दें, क्योंकि उसके भी पैसे नहीं लगते हैं। और ताकि बस ये सिर्फ इसीलिए है ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना वो आपसे मिस ना हो पाए। तो आप लोगों से मिलूंगी मैं नई वीडियो और नई रेमेडी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।